बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल साबे शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एमएस वर्ड लेसन नंबर 4 का पार्ट 2 फॉर बिगिनर्स आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के जो हमारे टॉपिक में जो है लेसन नंबर 4 का जो पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 के अंदर हमने पैराग्राफ के जो नीचे वाला सेक्शन है, यहाँ पर जो नीचे वाली लाइन है जिसमें हमने पैराग्राफ अलाइनमेंट बॉर्डर्स ये चीज़ें कवर की थी, आज हम टॉप वाले यानी एरो जो हमारे पास नज़र आ रहे हैं इस वक्त जो फंक्शंस हैं ये आज की क्लास में हम कवर करेंगे। सबसे पहले देखें यहाँ पर आपके पास तीन चीज़ें हैं यहाँ पर, जिसमें नंबर 1 बुलेट्स है, नंबर 2 आपके पास यहाँ पर नंबरिंग है और नंबर 3 यहाँ पर आपके पास है मल्टी लेवल लिस्टिंग। अब इन तीनों का काम क्या होता है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर कोई भी ऐसा काम वर्ड पे कर रहे हैं जिसमें आपको यहाँ पर अनकाउंटेबल या काउंटेबल कोई चीज़ यहाँ मेंशन करनी है, या तो आप उसमें पॉइंट्स कह लें या आप उसमें कुछ करेक्टर्स कह लें, तो अब जैसे मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ या अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से नेम लिख लेता हूँ, अब यहाँ पर मुझे अभी फ़िलहाल नज़र आ रहा है कि मैंने सिर्फ 3 यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से मेरे यहाँ पर नेम ज़्यादा हो जाते हैं या कोई भी मैं एंट्री कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ बुलेट्स बनानी हो, तो हम बुलेट्स को यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर आपने नेम लिख लिए हैं तो आप अपने पूरे नेम वाली लिस्ट को सेलेक्ट करें और यहाँ से आपके पास बुलेट्स वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ से आप बुलेट्स वाले फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं जितने बुलेट्स आपके पास मौजूद हैं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर कोई भी बुलेट्स, जैसे मैं राइट वाला बुलेट सेलेक्ट करता हूँ, तो देखें आपके पास नंबर ऑफ बुलेट्स जो है वो इस तरीके से आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ से पेज को जूम इन कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ बुलेट्स बने हुए आ रही है, अगर बुलेट्स आपको ख़त्म करनी है दोबारा से आप सेलेक्ट करें और बुलेट्स में जाकर आप यहाँ से इसको नन कर दें तो देखें बुलेट्स आपकी रिमूव हो जाएंगी। अब अगर आप डायरेक्टली पहले नाम लिखने से पहले ही बुलेट्स बनाना चाहते हैं तो आप कोई भी एक बुलेट सेलेक्ट कर लें यहाँ पर और उसके बाद जो भी आप यहां पर टाइप करेंगे जिस तरीके से, तो देखें आपके पास ऑटोमेटिकली यहां पर बुलेट्स बनते चले जाएंगे। तो ये पॉइंट्स बनाने के लिए काम आता है यहां पर जो बुलेट्स फंक्शन है, लेकिन इसको आप काउंट नहीं कर सकते, बुलेट्स फॉर्मेट है ये। अगर काउंट्स भी अगर आपको रखना है तो फिर हम यहाँ पर जो बुलेट्स फॉर्म है वो आपकी नंबरिंग है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, नन कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें नंबरिंग के अंदर देखें आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट है, या 1, 2, 3 इस तरीके से लिखा हुआ नजर आ रहा है, या ब्रैकेट्स के साथ है, या रोमन 1, 2, 3 है, ABC है, कैपिटल है, स्मॉल ABC ब्रैकेट के साथ है और स्मॉल ABC विदाउट ब्रैकेट है, और रोमन काउंटिंग है इस तरीके से, ये कैपिटल लेटर्स में है, ये स्मॉल लेटर्स के अंदर आ रहे हैं। अब कोई भी नंबरिंग आप यूज़ कर सकते हैं पॉइंट बनाने के लिए। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से नंबरिंग शुरू करता हूँ, अब कोई भी मेरी यहाँ पर जो लिस्टिंग चल रही है, अब देखें यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी आप यहाँ पर नेम लिखें या एंट्री करें तो यहाँ पर क्या करेगा कि आपके जो बुलेट्स तो बन रहे हैं लेकिन एज ए नंबरिंग फॉर्म बन रहे हैं, तो आपको ये मालूम भी होगा कि आपने नंबर ऑफ एंट्रीज या नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने बना लिए, यानी 8 पॉइंट्स मैंने बना लिए। और बैक स्पेस करते रहेंगे तो ये पॉइंट्स भी इस तरीके से डिलीट हो जाएगा, देखें इस तरीके से। और अगर आपको यहाँ पर बुलेट्स ख़त्म करनी है तो आप सेलेक्ट करके यहाँ से इसको नन कर दें तो इस तरीके से बुलेट्स भी ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर आपके पास है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल्स के अंदर यानी अगर आप एक से ज़्यादा अगर आप बुलेट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस मल्टी लेवल वाली लिस्ट वाले फंक्शन में जाकर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे 1 है, A है, रोमन 1 है, इस तरीके से 1 है, 1.1, 1.1, इस तरीके से डिफरेंट बुलेट्स के यहाँ पर डिफरेंट बने हुए मल्टी लेवल लिस्ट बने हुए। अब ये कब काम आता है कि जैसे अगर हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखा हुआ होता है क्वेश्चन 1 का ए पार्ट और बी पार्ट, और अगर ए पार्ट का भी अगर हमारे पास सेक्शन है 1, 2, 3, तो उसके लिए जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एक पार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर पार्ट बना लिया है एक ए पार्ट। अब जैसे हमारे कोर्सेज के नेम है, जैसे मैंने एक कोर्सेज का नेम डाल दिया ग्राफिक डिजाइनिंग या ग्राफिक सिंपल लिख लिया, एंटर किया, और यहाँ पर मैंने डाल दिया वेब डिजाइनिंग या वेब सिंपल, और नीचे हम आया थे यहाँ पर एनिमेशन। अब देखिए मेरे पास जो है वो 3 कैटेगरीज हैं, ग्राफिक्स, वेब, एनिमेशन। अब अगर मैं ग्राफिक को डिफाइन करना चाह रहा हूँ तो मैं जब ग्राफिक के बाद एंटर करूँगा तो देखिए मेरे पास एक बुलेट बन जाएगा, यानी कि मेन हेडिंग्स है, लेकिन मुझे मेन हेडिंग नहीं बनानी, मुझे इस बुलेट्स को जो हमारे नंबर ए वाले हैं पॉइंट है इसको डिफाइन करना, यानी ग्राफिक्स में क्या क्या सॉफ्टवेयर हैं।
तो मैं यहाँ पर टैब वाले फंक्शन को यूज करूंगा, यानी कि आपके कीबोर्ड में जो टैब का बटन है आपने टैब बटन दबाना है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, वन आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जैसे हमारे पास है ग्राफिक के अंदर फोटोशॉप है, फिर इसके बाद मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया इलस्ट्रेटर, यानी कि हमारे पास जो सेकेंड सॉफ्टवेयर है वो इलस्ट्रेटर है। अब जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स होंगे आप उतने ही यहाँ पर 1, 2, 3 काउंटिंग बनाते चले जाएंगे। अगर आपको फोटोशॉप के अंदर उसके आउटलाइन को डिफाइन करना है तो आप जब फोटोशॉप के बाद जब एंटर करेंगे यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर टैब दबा देना है। अब इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन का वन पार्ट और वन पार्ट का 1 और 2, 3, 4 जितने भी अगर इसमें पार्ट्स होंगे तो वो यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन होते चले जाएंगे। अब इसी तरीके से अगर आपको वेब की डिफाइन करनी सीरीज कौन कौन सी है, तो आपने वेब के बाद एंटर करना है और उसके बाद टैब दबाना है। टैब दबाने के बाद अब वेब के अंदर जैसे आपने डाल दिए HTML है, एंटर किया, और CSS है, उसके बाद आपने छोड़ दिया। इस तरीके से एनिमेशंस के अंदर आते हैं। एनिमेशन के अंदर आके अब देखें 14 पार्ट आपसे बन रहा है, यानी मेन हेडिंग्स। अभी मेन हेडिंग नहीं बनानी है आपको, एनिमेशन को डिफाइन करना है, तो आपने टैब दबाया। अब टैब के बाद यहाँ पर आपने ऐड कर दिया एडोब फ्लैश, यानी कि एनिमेशन का एक सॉफ्टवेयर है, उसके बाद आप एंटर कर दें। अब अगर आपको मेन हेडिंग बनानी है लास्ट के बाद, कि अब आप चाहते हैं कि मुझे एनिमेशन का एक ही पार्ट रखना है, सेकंड पार्ट नहीं रखना, अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, वेब सॉफ्टवेयर है, एनिमेशन है, या अकाउंटिंग भी आ जाए या डेवलपमेंट आ जाए, तो आपने क्या करना है, बैकस्पेस नहीं करना। आपने जब यहाँ से एंटर करके नंबर 2 पर आएंगे तो आपने दोबारा एंटर कर देना है। जैसे दोबारा एंटर करेंगे मेन हेडिंग्स पे आ जाएंगे, और अगर आपने दोबारा एंटर कर दिया कोई भी हेडिंग नहीं बनानी आपने, तो यहाँ तक आपकी हेडिंग स्टॉप हो जाएगी। आपने एंटर कर दिया, देखें यहाँ तक आपने स्टॉप कर दिया, इसका मतलब आपके सिर्फ यही पॉइंट्स थे। अब उसके बाद नीचे आप कुछ भी पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको टाइप करके दिखाता हूँ जिस तरह हमने फॉर्मूले से लिख लिया। तो इस तरीके से आप फिर अपनी टाइपिंग वगैरह कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बुलेट्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पॉइंट्स के लिए एज अ नंबरिंग या बुलेट्स या मल्टी लेवल इसको यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है इंडेंट, इंडेंट ऑप्शंस क्या काम करते हैं यहाँ पर, इंडेंट बेसिकली हम यहाँ पर जो है अलाइनमेंट को भी कहते हैं। किसकी अलाइनमेंट, आपके पैराग्राफ, यानी कि लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है। अब देखें यहाँ से मैंने पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया, यानी जितने हमारे पैराग्राफ थे। अब यहाँ हमारे पास है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, तो जैसे ही मैं यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट करूंगा, देखिए आपका पैराग्राफ पेज से कितना यहाँ से दूर हो गया। इस तरीके से जब मैं यहाँ पर कर दूंगा डिक्रीज इंडेंट, तो देखें ये वापस अपने पेज के हिसाब से बाय डिफॉल्ट जितना सेट था ये उतना ही सेट हो जाएगा। अब इस तरीके से यहाँ पर देखें आपके पास एक और ऑप्शन भी आ रहा है सॉर्ट का, तो इंक्रीज और इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, तो ये तो आपके पास सिंपल आपने इसकी मार्जिन जो थी पेज की वो बढ़ाई थी आपने, कि आपको टेक्स्ट पेज से कितना डिस्टेंस पे रखना है, तो वो हमने यहाँ पर सेट किया था। अब देखें यहाँ पर मैं सॉर्ट बताने से पहले एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ देखें मेरे पास एक ऊपर ऑप्शन आ रहा है, ये रूलर बार कहलाती है। ये रूलर बार आपके पास ऑन हो सकती है या आपके पास ऑफ हो सकती है, लेकिन कैसे अगर आपके पास ये ऑन करना चाहे, अगर आपने पास पहले से ऑफ आ रही हो, तो यहाँ आपके पास व्यू फंक्शन के अंदर जब आप जाएंगे तो व्यू फंक्शन के अंदर देखिए यहाँ रूलर्स के ऊपर चेक लगा हुआ है। अब जैसे ही मैं चेक हटाया तो वो जो बार थी वो आपकी हाइड हो चुकी है। जैसे ही मैं यहाँ चेक लगाऊंगा तो रूलर बार आपके पास शो हो जाएगी। तो यहाँ वापस मैं आया था होम पर, तो इंडेंट मतलब होता है कि आपके टेक्स्ट के मार्जिन को सेट करना। तो देखें जैसे मैं यहाँ से मार्जिन को मूव करूंगा, यानी इस रूलर को, तो देखें यहाँ से आपका जो पेज साइज होगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि आपका टेक्स्ट पेज के जितने अलाइनमेंट सेंटर में रखना है, लेफ्ट से डिस्टेंस रखना है या राइट से रखना है, तो देखें यहाँ पर आप इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं, यानी कि ये वाला एरिया आपका प्रिंट के अंदर एम्प्टी रहेगा। आपने जितना एरिया मार्जिन के अंदर रखा हुआ है उतना ही आपका प्रिंट होगा। अगर वापस आप इसको अपने बाय डिफॉल्ट पे सेट कर देंगे इस तरीके से, तो ये उतना ही मार्जिन आपका कवर करेगा। अगर आप इसको मजीद पीछे लेके जाना चाहें तो आप मजीद पीछे भी लेके जा सकते हैं, यानी कि फिर आपका जो पेज से डिस्टेंस होगा प्रिंट के अंदर वो इतना ही रहेगा, इतना एरिया के अंदर आपका पूरा जो टेक्स्ट होगा या आपकी इमेज होगी वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बाय डिफॉल्ट इसको सेट कर सकते हैं। इस तरह एक और चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम इस रूलर को जो है वो बुलेट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैं आपको बताना भूल गया था यहाँ पर, तो मैं आपको बताया था मैं यहाँ पर। जैसे आपके पास जो है जैसे बुलेट्स आपने बना ली, अब मैं यहाँ पर कुछ भी एंट्री कर लेता हूँ इस तरीके से। अब देखें इसमें आपको करना क्या है, जो रूलर ऊपर आ रहा है इससे आपके पास है कि अगर आपको बुलेट्स से टेक्स्ट का डिस्टेंस करना है, तो देखें ये ऊपर वाला जो आपके पास नजर आ रहा है ये वाले रूलर को अगर आप मूव करेंगे तो देखें आपका जो बुलेट्स है वो मूव करेगा। लेकिन देखें अभी एक करना है, लेकिन सबको करना है तो आपने पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है।
अब देखें यहां से अब मैं इसको मूव करूंगा, बुलेट्स को आपने कितने डिस्टेंस पे रखना है। इसी तरीके से यहां पर देखें आपके पास जो है नीचे वाला एरिया बुलेट्स वाला आ रहा है। अगर मैं इस स्क्वायर बॉक्स से करता हूं, मैं पहले इस वाले पूरे सिलेक्ट कर लूं टेक्स्ट को, नीचे अगर स्क्वायर बना हुआ है अगर मैं इससे क्लिक करके मूव करूंगा तो देखें आपका पूरा एरिया यानी कि बुलेट के साथ जो टेक्स्ट है वो मूव होगा। आपने जिस पोजीशन में रखना है इसको रख सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर में। अगर मैं ऊपर वाला जो ट्राइंगल है जो इस स्क्वायर के ऊपर बना हुआ आ रहा है तो यहाँ आप स्क्रीन पर देखें जो अगर मैं इसको मूव करूंगा तो सिर्फ आपका टेक्स्ट मूव होगा। अगर बुलेट्स को मूव करवाना है खाली खाली टेक्स्ट को मूव करवाना है या अगर आप सबको मूव करवाना चाहते हैं तो नीचे वाले स्क्वायर की मदद से आप इसको मूव कर सकते हैं इस तरीके से। तो रूलर का काम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इंडेंट में देखा था, इसमें तो फिक्स था आपके पास कि आपने अपने अंदाजे से इसको बढ़ा दिया अंदाजे से कम कर दिया, लेकिन रूलर्स के अंदर आप इसको अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं कि आपको आपकी पेज की मार्जिन कितनी चाहिए। अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से और अब हम यहाँ पर आते हैं सॉर्ट के ऊपर। सॉर्टिंग क्या काम करता है कि ये आपकी अरेंजमेंट करता है असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग डालता हूँ, जैसे मैंने 2, 3, 8, 1, 9, 4, 7, अब नंबरिंग मेरे पास है आगे पीछे। अगर आपको इसको नंबरिंग को बिल्कुल असेंडिंग करना है कि 1, 2, 3, 4 नंबरिंग वाइज आ जाए तो आप सेलेक्ट करें और यहाँ से आप चले जाएं सॉर्ट पे। सॉर्ट पे जाने के बाद यहाँ आपके पास पैराग्राफ बता रहा है, आपने पैराग्राफ बनाए हुए हैं और नंबरिंग को यूज़ करना है, नंबरिंग आप कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ आपके पास है असेंडिंग, असेंडिंग छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग बड़े से छोटा, तो असेंडिंग पे चेक लगेगा और इसको आप ओके कर देंगे। देखें यहाँ पर क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9। इस तरीके से अगर आपने यहाँ पर जाकर दोबारा से असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग कर दिया तो आप बड़े से छोटा आ जाएगा, यानी कि जब आप उसको ओके करेंगे देखें 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1। तो असेंडिंग में आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, नंबरिंग की भी कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट की भी कर सकते हैं। अब जैसे अल्फ़ाबेट में मैंने यहाँ पर नेम डाल दिया बिलाल, उमर, साबिर, अहमद और इसके बाद है यासिर। अब देखें अल्फ़ाबेटिकली क्या होगा, जैसे डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं कि आपके ए वाले पहले आ जाए, बी वाले बाद में आ जाए, फिर सी वाले। तो आप यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर जब आप सॉर्ट पे जाएंगे तो यहाँ आपके पास टेक्स्ट टाइप है असेंडिंग पे, आप चेक लगाएं। अब देखें पहले आपके पास ए वाला अल्फ़ाबेट आएगा, फिर बी वाला आएगा, उसके पास सी नहीं है, डी नहीं है, तो आपके पास फिर यू है, फिर वाई है। इस तरीके से ये अरेंज कर देंगे, ओके करेंगे यहाँ पर। तो देखें अहमद, बिलाल, साबिर, उमर, यासिर। इस तरह अगर आप इसको डिसेंडिंग में चेंज करेंगे तो ये बड़े से छोटा, यानी कि आपकी जो काउंट जो होगी एबीसीडी होगी, जैसे वाई पहले आ रहा है, फिर यू आ रहा है, फिर एस है, फिर बी है, फिर ए है। तो इस तरीके से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद जो हमारा लास्ट फंक्शन रह गया यहाँ पर, इसमें है शो एंड हाइड। इस फंक्शन को यूज हम इतना खास नहीं करते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस लिए यूज होता है और ये आपके काम आ सकता है आपके जनरल नॉलेज के लिए, कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये फंक्शन किस लिए होता है। इस फंक्शन के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि आपके जो आपका कर्सर है, आप अपने कर्सर को अगर यहाँ मूव करवाते हैं तो आपने अपने कर्सर को टैब की मदद से यहाँ पर लेकर आए हैं या स्पेस बार, यानी कि जब मैं स्पेस बार यूज कर रहा हूँ तो देखें इस तरीके से स्लो आ रहा है और अगर मैं जब मैं टैब यूज कर रहा हूँ तो फास्ट आ रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा, जब मैं इस फंक्शन को ऑन करूंगा, जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो पहले तो देखें ये हर पैराग्राफ के आखिर में इस तरीके का सिंबल बना देता है। दूसरा क्या करता है कि अगर आप स्पेस बार यूज करते हैं तो ये डॉट बनाता है और अगर आप टैब यूज करते हैं तो ये एरो बनाता है। तो देखें इसका मतलब है कि आपका कर्सर यहाँ से यहाँ तक टैब की मदद से आया है और यहाँ से यहाँ तक आपका जो कर्सर है वो स्पेस बार की मदद से आया है, यहाँ भी स्पेस बार की मदद से आया है। अब जैसे ही आप यहाँ टैब यूज करेंगे या स्पेस बार यूज करेंगे तो देखें आपके पास शो हो जाएंगे ये सिंबल्स, अगर आपका ये फंक्शन एक्टिव होगा। आप वर्ड के बीच में भी देख सकते हैं कि जगह जगह यहाँ पर आपके पास डॉट लगा हुआ है, क्योंकि हम जो भी वर्ड लिखते हैं उसके बाद स्पेस देकर नया वर्ड स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इस पैराग्राफ को बंद कर दूंगा, यानी इस फंक्शन को मैं ऑफ कर दूंगा, तो देखें आपके पास जो सिंबल थे वो सारे ऑफ हो जाएंगे। तो इस पर्पज के लिए आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि ये एज अ टैब और स्पेस बार और पैराग्राफ के लिए यूज किया जाता है, कि इससे हमें मालूम हो जाएगा हमने कितने पैराग्राफ बनाए हुए हैं, हमने कितने टैब यूज किए हैं, कितने स्पेस बार यूज किए हैं। तो यहाँ तक जो हमारा पैराग्राफ वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है, जो मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।